हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल फूड एंड रेसिपी। मैं रानी लता। आज हम बनाने जा रहे हैं रसमलाई। रसमलाई को घर पर हम बहुत ही आसान तरीके से बना रहे हैं और ये आसानी से घर पर बन जाती है। रसमलाई बना रहे हैं हम 1 लीटर दूध में। तो ये हमारे पास है 1 लीटर दूध, काउ टोंड मिल्क। तो इस दूध में से आधे दूध का हम छेना बनाएंगे और आधे दूध की हम बनाएंगे रबड़ी। तो फर्स्ट हम आधा दूध निकाल रहे हैं एक भगोने में और आधा हमने रख दिया है रबड़ी बनाने के लिए, जिसको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो ये भगोने में हमने जो दूध किया है, तो इस दूध को हम पकाने जा रहे हैं मीडियम फ्लेम पर। और दूध को हम अच्छे से पकाना है हमें चलाते हुए। और इसको हम इस दूध में हम विनेगर डाल के हम इस दूध का बनाएंगे छेना। तो ये हमारे पास विनेगर है। इस विनेगर का हम एक ढक्कन, यानी कि इस बोतल के ढक्कन से हम एक ढक्कन ले रहे हैं विनेगर। और इस विनेगर में मिलाएंगे हम एक ढक्कन पानी। और ये विनेगर हम थोड़ा थोड़ा दूध में डालते जाएंगे और इस तरह से चलाते जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा विनेगर डालते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा चलाते जाएंगे, तो हमारा एक जो है हमारा दूध अच्छे से फट जाएगा और एक छेना बनकर रेडी हो जाएगा। दूध फट चुका है हमारा अच्छे से। तो गैस को हम कर देंगे बंद और हम छान लेंगे इसको एक भगोने में। एक भगोने के ऊपर लगा रहे हैं हम चलनी और उसके ऊपर हम रख रहे हैं एक कपड़ा बारीक। कपड़ा बारीक लेना चाहिए जिससे कि जो हम छेना बनाए उसका पानी अच्छे से निकल जाए। तो फटे हुए दूध को हम छान रहे हैं कपड़े पे। और अब हम इस छेने के ऊपर डाल रहे हैं एक गिलास पानी। पानी हम इसलिए डाल रहे हैं जिससे कि जो हमने विनेगर डाला है उसकी महक ना आए हम जब रसमलाई खाएंगे। तो इस तरह से छेना हमारा अच्छे से धुल के हमने अच्छे से धुल लिया है और कपड़े को हमने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। और फोल्ड करने के बाद अब हम हाथ दोनों हाथों से इस तरह से छेने के पानी को निचोड़ लेंगे और हम निकाल लेंगे इस छेने को एक प्लेट में। हमें रेस्ट नहीं देना है इस छेने को। तो आप देख सकते हैं हमने तुरंत ही कपड़े में से छेने को निकाल लिया है, रेस्ट हमने नहीं दिया है। और अभी ये काफ़ी दानेदार छेना है तो हमें इसको मुलायम बनाना है, सॉफ्ट बनाना है। तो हमें पहले हाथ से इस तरह से मैश करना है और फिर हथेली के पिछले भाग से इस तरह से इसको रगड़ना है। और हमें इस छेने को मक्खन की तरह सॉफ्ट बनाना है। ये छेना जितना सॉफ्ट बनेगा उतना ही हमारी रसमलाई सॉफ्ट स्पॉन्जी बनेगी। तो इस तरह से इस छेने का हमने एक डो टाइप बना लिया है इस तरह से मलते हुए। और हमने ये 10 मिनट तक इसी तरह से मैश किया है, इसको मला है, जिससे कि हमारा जो ये छेना है ये अच्छे से मक्खन की तरह मुलायम हो जाए। अब हम इसके 4-5 टुकड़े बना लेंगे। और टुकड़े बनाते हुए हमें इसको राउंड करके और एक रसमलाई शेप में रसमलाई शेप देना है। और ये हमारी जो हमने जो रसमलाई शेप में दिया है हमें इसको काफ़ी क्लीन स्मूथ बनाना है। ये फटी फटी ना बने। अगर ये फटी फटी बनेगी तो जो हम चीनी सिरप बनाएंगे उसमें जो है ये बिखर जाएगा और हमारी जो रसमलाई है वो बिल्कुल भी सही नहीं बनेगी। तो हमने इस तरह से 5 रसमलाई शेप में बना ली है और अब हम इनको पकाने जा रहे हैं चीनी सिरप में। तो हम ले रहे हैं 2 गिलास पानी। एक गिलास पानी हमने ये डाला है और एक गिलास पानी डाल रहे हैं हम ये। और 2 गिलास पानी में हम डाल रहे हैं 1 कप चीनी। चीनी डालने के बाद आप एक बार टेस्ट कर लीजिए कि आपका जो चीनी सिरप है ये मीठा है कि हल्का फीका। हल्का फीका है तो आप इसमें और चीनी डाल सकते हैं, यानी कि आप चीनी कम ज़्यादा कर सकते हैं।
चीनी हमारी पानी में अच्छे से घुल गई है और ये एक बहुत ही पतली चाशनी बन गई। पानी को हमें अच्छे से खोलाना है, खोलाते हुए तब हमें इसमें जो है जो हमने ये रसमलाई बनाई है अभी, तो वो हमें इस खोलते हुए पानी में यानी कि इस चीनी सिरप में डालना है। तो फर्स्ट हमने पहली जो है ये रसमलाई डाली है जिससे कि ये देखना है कि ये फटी तो नहीं है। तो बाद में हमें और जो है सारी रसमलाई डाल के इस तरह मीडियम फ्लेम पर खोलते हुए पानी में यानी कि खोलते हुए चीनी सिरप में डालना है। और जब ये 10 मिनट तक हम इसको इस चीनी सिरप में पका लेंगे तो हमें इनको पलटना है। तो आप देख सकते हैं इनका आकार जो है वो बढ़ गया है और ये काफ़ी फूली फूली दिखाई दे रही है। तो 10 मिनट आप एक साइड से पकाना है और 10 मिनट आप दूसरी साइड से पकाना है। तो इसलिए 20 मिनट हमने चीनी सिरप में इन रसमलाई को पकाया है। तो अब हमने इनको रख दिया है दूसरी साइड ठंडा होने के लिए। अब हम बनाने जा रहे हैं रबड़ी। तो फर्स्ट लो फ्लेम पर हम भूनने जा रहे हैं मखाने। तो उसके लिए हमने डाला है 1 चम्मच देसी घी और घी में हम डाल रहे हैं कुछ मखाने। ये हमारे पास कुछ मखाने हैं, मखानों को हमें अच्छे से भूनना है क्रिस्पी होने तक। तो मखाने हमारे भून चुके हैं। अब हम उसी कढ़ाई में डालने जा रहे हैं दूध, जो हमने आधा लीटर दूध बचाया था। ये आधा पैकेट दूध बचा हुआ है, डाल रहे हैं हम कढ़ाई में। कढ़ाई में मीडियम फ्लेम पर हमें दूध को पकाना है और हमें थोड़ा इसको गाढ़ा करना है। जब ये दूध हमारा हल्का सा गाढ़ा हो जाए तो तब हम इसमें डालेंगे आधा कप चीनी। चीनी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग, और इस तरह से चला लेना है। फर्स्ट हमने चीनी इसलिए डाली है क्योंकि चीनी डालने से दूध पतला हो जाता है। तो फिर हमने बाद में 2 मिनट हाई फ्लेम पर दूध को पकाया है। उसके बाद अब हम डाल रहे हैं इसमें 2 इलायची हमने कूट के डाली है, और ड्राई फ्रूट्स में हम ले रहे हैं कटे हुए काजू और ये कटे हुए बादाम और बारीक है पिसा हुआ गोला सूखा नारियल बोलते हैं जिसको, और ये है कूटे हुए मखाने जो हमने अभी अभी घी में भून के तैयार किए थे। सारे ड्राई फ्रूट्स हमने दूध में डाल दिए हैं। दूध में डालने के बाद हमें इसको पकाना है 2 मिनट के लिए इस तरह से हाई फ्लेम पर। सूखे मेवे डालने के बाद दूध हमारा अच्छे से गाढ़ा हो गया है। तो लास्ट में हम अब डाल रहे हैं फ्लेवर के लिए हल्दी पाउडर। आप चाहें तो हल्दी पाउडर की जगह फूड कलर या फिर केसर भी डाल सकते हैं। तो इसमें हल्दी की महक नहीं आती है, आप हल्दी पाउडर डाल सकते हैं, वो भी हाफ पिंच मतलब आधी चुटकी भर। और फिर आप इसको 2 से 3 मिनट पकाकर छोड़ दीजिए, गैस बंद कर दीजिए और हमारी रबड़ी बनकर रेडी हो गई है। तो रबड़ी को भी हमने ठंडा कर लिया है और जो हमने चीनी सिरप में रसमलाई पकाई थी वे भी हमारी ठंडी हो चुकी है। तो अब इन दोनों चीज़ों को हम मिलाने जा रहे हैं। तो हमने लिया है एक बड़ा बाउल, तो बाउल में हम ये रसमलाई पहले सेट करेंगे यानी कि चीनी सिरप से निकाल रहे हैं और इस बाउल में रखने जा रहे हैं। तो इस तरह से एक एक रसमलाई हमने इस तरह से इस बाउल में रख दी है और ऊपर से हम डालने जा रहे हैं रबड़ी। तो हमारी रबड़ी ठंडी होने के बाद इस तरह से दिखाई दे रही है। रबड़ी को हमें ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है, नहीं तो जो हमने रसमलाई बनाई है वो अच्छे से अंदर इस रबड़ी को नहीं सोख पाएगी। तो हमने हल्की पतली रबड़ी बनाई है। तो आप देख सकते हैं हमने इस तरह से रबड़ी में रसमलाई को अच्छे से डिप कर दिया है और इस तरह से चला दिया है। तो आप देख सकते हैं
कि हमारी जो रस मलाई है वो इस तरह से दिखाई दे रही है और हमारी रबड़ी इस तरह से। तो अब हम इस बाउल को रखने जा रहे हैं फ्रिज में 5 घंटे के लिए, जिससे कि हमारी रबड़ी जो है, रबड़ी नहीं, हमारी रसमलाई जो है रबड़ी में अच्छे से सेट हो जाए। तो 5 घंटे बाद हम निकाल रहे हैं अपनी रसमलाई को। तो आप देख सकते हैं हमारी रसमलाई इस तरह से बनकर रेडी हुई है। तो आप सब भी इस तरह से बनाकर आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो मैं निकाल रही हूँ 2 रसमलाई एक प्लेट में और आप सबको दिखा रही हूँ कि ये रसमलाई कितनी आसानी से हमने घर पर बना ली है और काट के दिखा रही हूँ। ये काफ़ी सॉफ्ट भी बनी है और रस भरी भी बनी है। तो आप सब इस तरह से रसमलाई बनाइए और रसमलाई का टेस्ट कीजिए। तो 1 लीटर दूध में हमने बहुत आसान सिंपल तरीके से ये रसमलाई बनाकर तैयार की है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रसमलाई की रेसिपी पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब और सपोर्ट करना ना भूलें। मिलती हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ। रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एवरीवन।